खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर नारी शक्ति संस्थान के पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक संस्थान की संरक्षक अनीता आलोक श्रीवास्तव के ब्रह्मस्थान स्थित आवास पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मनीषा मिश्रा और संचालन अंशु अस्थाना ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के ध्येय गीत से किया गया। बैठक में संरक्षक मंडल व पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संस्थान की सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने बताया कि नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए संस्थान का गठन किया गया था। आज संस्थान अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी संरक्षक मंडल और पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है, जिसमें संरक्षक मंडल में नारी शक्ति रानी अनामिका सिंह, अर्चना वत्सल, दीप शिखा पांडे, अनीता खंडेलिया, मंजू उपाध्याय, अनीता आलोक श्रीवास्तव, सुधा तिवारी, अनीता अग्रवाल, प्रियंका पांडे को स्थान दिया गया। संरक्षक अर्चना वत्सल ने संस्था अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष विदुषी अस्थाना, उपाध्यक्ष डॉक्टर नेहा दुबे, अंशु अस्थाना, पूनम यशपाल सिंह, निमिषा अग्रवाल और महामंत्री ममता राय को घोषित किया गया। वही मंत्री पद के लिए प्रतिभा पाठक अनिता श्रीवास्तव, सरोज यादव, माया दुबे को मनोनीत किया गया। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रश्मि डालमिया सह कोषाध्यक्ष आभा अग्रवाल को दी गई। साथ ही मीडिया प्रभारी अमिता अग्रवाल व डॉक्टर प्रीति गुप्ता को चुना गया। वहीं कार्यालय प्रभारी का दायित्व नीतू सौम्य को दी गई। इसके बाद मंजू उपाध्याय ने सभी को शपथ दिलाकर पदभार ग्रहण कराया। नए पदाधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए संस्थान को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लिया। इस मौके पर संरक्षक व पदाधिकारियों समेत अन्य नारी शक्तियां भी मौजूद रहीं। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।